राजस्थान में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4589 हो गई है। आपको बता दें कि 55 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आज सामने आए। कोटा में 29, जयपुर में 11, उदयपुर से 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा झुंझुनू, करौली, दौसा, डूंगरपुर, बारा, भरतपुर से क्रमशः एक एक कोरोना पॉजिटिव यहां पर मिला है। ईरान से लौटे भारतीयों में भी 61 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इटली से आए 2 पर्यटक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बीएसएफ के 43 जवान भी कोरोना पॉजिटिव मिले। इसी के साथ में राजस्थान में कोरोना से अभी तक 125 लोगों की मौत भी हो गई है। राजस्थान में 2638 कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हुए। इसके अलावा 2397 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। फिलहाल राजस्थान में 1771 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। लगातार यहां पर राजस्थान से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 31 जिलों में पैर पसार चुका है कोरोना का संक्रमण। 1771 फिलहाल एक्टिव केसेस, इसके अलावा 125 मौतें प्रदेश भर से दर्ज की गई है। 55 केसेस आज भी सुबह से सामने आए। हालांकि 2638 कोरोना के पॉजिटिव मरीज ठीक हुए, जो कि राहत की बात है। इनमें से 2397 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। लेकिन अभी भी जो संकट है वो गहराता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4589 हो गई है। और अधिक जानकारी के साथ में वन संवाददाता योगेंद्र महावर कोटा से जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। योगेंद्र, आपसे जानना चाहूंगे फिलहाल कोटा की क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं कि आज कोटा के लिए एक बहुत बुरा दिन रहा है। कोटा में आज सुबह 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, जो एक न एक अपने आपने ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी दोपहर की लिस्ट में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और सामने आए, तो टोटल अभी तक 48 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आ चुके हैं। और अभी तक कोटा से 318 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में जिस तरह से आज लगातार आंकड़ा बढ़ा है और कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हुआ है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए चिंता बनाए हुए है। क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें अधिकतर एक ही इलाके के शामिल हैं। और अभी जो 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, ये सभी 20 बकरा मंडी के निवासी, जो एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यदि मैं आपको बता दूं कि विज्ञान नगर जो पॉश कॉलोनी है, वहां पर एक अमन कॉलोनी है और लगातार अमन कॉलोनी से भी 1-2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे। लेकिन आज सुबह की लिस्ट में वहां से 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही कॉलोनी से सामने आए, जिसके बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। पुलिस प्रशासन की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, रैंडम स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। योगेंद्र, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा गंभीर है स्थिति, लेकिन आप क्या कहेंगे कि कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से इतना ज्यादा संक्रमण कोटा में फिलहाल फैलता जा रहा है? निश्चित तौर पर जयती, अभी तक जो जांच हमारे पास सामने आई है और जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आई, उसमें ये सामने आया है कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम स्क्रीनिंग के लिए गई है तो वहां पर स्क्रीनिंग जरूर हुई है, लेकिन वहां पर एक ही घर में से 1 या 2 जनों की स्क्रीनिंग की गई। और पूरे कॉलोनी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 30 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। लेकिन इसके बाद जब जो लाइनें लगी रहती है और उनसे वो जब अपनी स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग का ये कहना रहता है कि आपकी स्क्रीनिंग कल होगी, और इसी का इंतजार वो लगातार करते जा रहे हैं। जैसे घंटाघर है, मौकापाड़ा है, मकबरा है, वहां से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे। लेकिन जब रैंडम स्क्रीनिंग इनकी चालू करी तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अचानक ही बढ़ा है। और ऐसे ही विज्ञान नगर और बकरा मंडी में भी लगातार रैपिड स्क्रीनिंग की जा रही है, रैंडम स्क्रीनिंग की जा रही है, तो वहां से लगातार ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो एक निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से हमारी भी अपील रहेगी कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से स्क्रीनिंग कर रही है, इलाके में जाकर स्क्रीनिंग कर रही है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, ताकि ये जो आंकड़े हैं या तो वो खत्म हो जाए या फिर पूरी डिटेल सामने आ सके कि और अभी कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज शहर में हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन की या फिर स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई या फिर कुछ कारण ऐसे रहे जिसका खामियाजा अब कोटा को भुगतना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया योगेंद्र। लगातार प्रदेश भर से आंकड़ों में तेजी, ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। 125 हो गई है प्रदेश भर से मरने वालों की संख्या। राहत की बात यह है कि
काफी ज्यादा लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं और अधिक जानकारी के साथ में उदयपुर से एवं संवाददाता रवि मल्होत्रा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल क्या तस्वीर है उदयपुर की, चूंकि पिछले दिनों एक विस्फोट के रूप में और एपिसेंटर के रूप में उदयपुर बनकर उभरा, तो फिलहाल क्या स्थिति है? जैसे बताना चाहूंगा कि लगातार जो है संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल उदयपुर की अगर हम बात करें तो आज का जो आंकड़ा है वो 325 तक पहुंच चुका है जी। इससे एक दिन पहले जो है शहर के हिरमंगली सेक्टर 14 इलाके में एक पॉजिटिव मरीज मिला था और उससे जुड़े हुए जो संपर्क सूत्र थे उनसे जब सैंपलिंग की गई तो उसमें चार पॉजिटिव और मिलेंगे जी। तो वहाँ पे भी 5 पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ऐसे करके आंकड़ा जो है 325 तक पहुँच चुका है जी। रवि, एक और चीज है कि जिस प्रकार से भीलवाड़ा का मॉडल था, भीलवाड़ा में भी शुरुआत में ऐसा अचानक से कोरोना का विस्फोट हुआ, लेकिन काफी ज्यादा प्रयासों के बाद में वहां स्थिति को काबू में कर लिया गया, तो उदयपुर में भी क्या भीलवाड़ा का जो मॉडल है उसे लागू किया जा रहा है या फिर किसी अन्य मॉडल से यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी जितने से जो कांजी का हाटा जो क्षेत्र ने जो एपी सेंटर के रूप में उभर के आया था, क्योंकि जितने से कोरोना का जो विस्फोट वहीं से शुरू हुआ था, उसके बाद उस पूरे क्षेत्र को खाली करवा दिया गया है। अभी जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन मिली है कि बाहर से कोई भी आ रहा है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाए, और यहाँ पर भी अगर कोई इस तरह से संक्रमित मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ से उदयपुर से जो कुछ दूर जिस तरह से सिंगल यूनिवर्सिटी है, पैसिफिक जो हॉस्टल है, तो वहाँ पर उनको पहुंचाया जा रहा है ताकि शहर में ये संक्रमण ज्यादा नहीं फैले। तो इस मॉडल के तरीके इसका उपयोग किया जा रहा है कि जो वायरस है ये अब शहर में ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचे, और जैसे जैसे स्क्रीनिंग की जा रही है तकरीबन रोज 100 से 150 या 300 सैंपल लिए जा रहे हैं, उसमें काफी पॉजिटिव भी आ रहे हैं, निगेटिव भी आ रहे हैं, और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रवि। प्रदेश भर से आंकड़ों में तेजी, 4500 के पार पहुंच गया है प्रदेश में आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। राहत की बात यह है कि इसकी आधी दर जो है वो रिकवर हो चुकी है, कई लोग इसमें से अपने घरों के लिए डिस्चार्ज भी हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में झुंझुनू से एवं संवाददाता सुजीत शर्मा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, झुंझुनू की फिलहाल क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, आपको बता दें झुंझुनू के अंदर कोरोना को लेकर काफी संक्रमण वो फैलता जा रहा है। झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में कुल अब तक कोरोना पॉजिटिव जो केस है वो 53 हो चुके हैं, जिसके अंदर लगातार करीब एक साथ है जो कोरोना पॉजिटिव है, जो कल उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से निकल के है। उसके बाद प्रशासन पूरा हरकत में है और काफी लोगों को उन्होंने क्वारंटाइन भी किया है और लोगों की सैंपलिंग का कार्य है वो जारी है। सुजीत, एक और चीज है, लॉकडाउन का तीसरा चरण फिलहाल जारी है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा रियायतें भी सरकार के द्वारा दी गई है। झुंझुनू में भी यकीनन यहाँ पर इन रियायतों का असर देखा जा सकता है, तो किस प्रकार से प्रशासन और जनता आपसी जो है तालमेल बनाकर इस चीज को फॉलो कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बन जाए और लोगों को राहत भी यहाँ पहुंचे? जी बिल्कुल, प्रशासन ने जो तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो रियायत दी है लोगों को, उसको लेकर काफी दुकानें भी झुंझुनू के अंदर खुली है, और जिला कलेक्टर यूटी खान ने भी सख्त आदेश दे रखे कि दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और वहाँ पे सैनिटाइजर का इनका उपयोग किया जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष कर से ध्यान रखना चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुजीत। प्रदेश भर से लगातार आंकड़ों में तेजी, 4500 के पार पहुंच गया है, आपको ताजा आंकड़े बता रहे हैं हम। सुबह से अभी तक 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रदेश भर से सामने आए, 125 लोगों की मौत भी हुई है प्रदेश में अब तक इस संक्रमण के चलते। राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है उसने भी अपनी गति को पकड़ लिया है, काफी ज्यादा मरीज रिकवर हो रहे हैं। पैनिक करने की अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम उन गाइडलाइंस को फॉलो करके जो कि सरकार के द्वारा समय समय पर हमें दी जा रही है, इस संक्रमण से बचा जा सकता है। और दौसा से वन संवाददाता महेंद्र मीना अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, जाना चाहूंगी दौसा में फिलहाल क्या स्थिति है, कितने मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं और फिलहाल क्या स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए किस प्रकार की कोशिशें जारी है दौसा में? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दौसा में दिनों दिन प्रतिदिन एक दो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस तरह दौसा में अब तक करीबन 30 के करीब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, ऐसे में प्रशासन भी लगातार इन पर निगरानी रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दौसा में अधिकतर ऐसे केस आ रहे हैं जिनकी एक बार नेगेटिव पॉजिटिव आने के बाद दूसरी बार नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। वहीं करीब 20 से अधिक लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। वहीं प्रशासन भी दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया महेंद्र। राजस्थान में बढ़ता कोरोना का ग्राफ, कोरोना को हराने के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं और सभी एक स्वर में यही कहेंगे कि कोरोना को हराने के लिए जल्द से जल्द और जिस प्रकार से इस संकट से उभरा जाए,
चूंकि अब कह दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि कहीं ना कहीं हमें आदत डालनी पड़ेगी इस वायरस के साथ जीने की, तो अपने जिंदगी के नियमों में इस चीज को ले आए कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए। और भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ एवं संवाददाता राजेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल भरतपुर की क्या स्थिति है। जी जयती, मैं बताना चाहूंगा कि आज भी भरतपुर में कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है जी। और ये जो केस है ये आया, ये मुंबई से आए हैं, तो अपने जो मुंबई कॉल सेंटर में काम करता था, और 10 तारीख को यहाँ भरतपुर द्वीप के बहेज गांव के रहने वाला है, जो अपने गांव आया था अपने साथी के साथ। तो उसके बाद ये हॉस्पिटल में गए, इनका क्वारंटाइन किया गया, तो आज इनकी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और इस बहेज गांव के एक युवक के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब भरतपुर में 122 को आंकड़ा हो गया कोरोना पॉजिटिव केसेज का। लेकिन 3 दिन पहले ये माना जा रहा था कि भरतपुर में जितने भी आरबीएम हॉस्पिटल में कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ती रहे, सब स्वस्थ हो गए हैं और अस्पताल को कोरोना मुक्त घोषित किया जा सकता है जी। लेकिन 2 दिन बाद लगातार ये केस आने के बाद यहाँ जो जिला प्रशासन और CMHO और चिकित्सा प्रशासन ने तैयारी की थी, वो इन पर उनका मजा किरकिरा हो गया। और अब 2-3 दिन से लगातार एक एक केस आ रहे हैं, आज भी एक केस कोरोना पॉजिटिव का आया है। और ये मैं यही बताना चाहूंगा कि भरतपुर में जो बाजार में 3 घंटे की जो खोल रहे थे कुछ किराना और कुछ दुकानों को, लेकिन अब प्रशासन ने अन्य और ट्रेड्स के दुकानों को भी मार्केट को खोलने की स्वीकृति दी है। तो उसके तहत आज 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक मार्केट खोलने का है। बाजार में भीड़ पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करते हैं। अब लोगों के ऊपर ही चिंता रहेगी कि लोग उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और जो एडवाइजरी है सरकार की उसकी पालना करें, तब इस महामारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। आंकड़ों में बढ़त यहां पर प्रदेश भर से लगातार देखने को मिल रही है। 4500 के आंकड़े को पार कर चुकी है संख्या। और अधिक जानकारी के साथ में जोधपुर से एवं संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल जोधपुर की क्या स्थिति है। निश्चित तौर पर जयदेव, जोधपुर शहर में लगातार है जो कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का जो कहर है वो जोधपुर के अंदर कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की यदि स्थिति देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी, और लगातार जो दिन ब दिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोरोना के पॉजिटिव मरीज है जो निश्चित तौर पर सामने आ रहे हैं। आज की यदि बात करें तो आज 12 मरीज जोधपुर के अंदर सामने आए, जिसमें से 8 मरीज है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर के, और जोधपुर में जो आंकड़ा है वो 967 तक पहुंच चुका है। जयदेव, मैं बताना चाहूंगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग प्रवासी है वो बाहर से आकर रह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर शिक्षा का निश्चित तौर पर अभाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से वो ना तो कुछ क्वारंटाइन कर पा रहे हैं, ना ही वो पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पष्ट तौर से आने वाले दिनों के अंदर ये प्रशासन के सामने बहुत बड़ी तकलीफ के तौर में उभरता हुआ नजर आएगा। जी जयती। सत्येंद्र, एक और चीज है, जयपुर के बाद में जोधपुर ही वो एक ऐसा जिला था जहाँ पर कोरोना का एपिसेंटर बनकर उभरा था। फिलहाल लॉकडाउन 3 का अभी चरण जारी है, तो किस प्रकार से रियायतों के साथ में यहाँ पर उन चीजों की तमाम कोशिशें की जा रही है कि रियायतें भी जनता को मिले, राहत भी मिले, लेकिन अभी भी जो कि संकट के बादल है वो गहरा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए किस प्रकार से कोशिशें की जा रही है वहाँ पर। निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तौर से लगा हुआ है। जो जोधपुर शहर की यदि बात करें तो उसके हालातों में सुधार आया है, और जो आदेश आए हैं रियायतों के उसके तहत जोधपुर में काफी मार्केट जो है आउटसाइड वो खुला भी है। लेकिन सबसे बड़ी और दिक्कत की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अब कोरोना ने प्रवेश कर दिया, और वहां लगातार जो मामले बढ़ते आ रहे हैं, और सरकार द्वारा आदेश भी जारी किए गए कि हाईवे खोले जाए, मार्केट खोले जाए, लेकिन गाँव के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, वो न तो उसको क्वारंटाइन कर पा रहे हैं, उनके घर के आगे नोटिस भी चस्पा किए गए, लेकिन फिर भी वो बाजारों के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वही कारण है कि गाँव के अंदर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस चीज पे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चिंता भी जाहिर की थी कुछ दिन पहले। इसी चीज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी चिंता भी जाहिर की थी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। उनका कहना था कि शहरों से ये जो संक्रमण है वो गाँव की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। बड़ी आप जानकारी दे रहे हैं कि जोधपुर में गाँव की ओर ये संक्रमण बढ़ रहा है, तो गाँव में क्योंकि अभी जागरूकता इतना ज्यादा अभाव है, लोगों को नहीं पता कि किस प्रकार से खुद को क्वारंटीन करा जाए, तो गाँव में इस प्रकार की जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रशासन क्या करेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी। जैसे कल यदि बात करें तो जोधपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया था, क्वारंटाइन क्षेत्रों का दौरा किया था, लेकिन एक बात निकल के आ रही है कि अब लोगों को घरों में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग संयुक्त परिवार से रहते हैं, एक परिवार में 15-15 20-20 लोग उनके परिवार में साथ रहते हैं, परिवार बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा
जो घर के अंदर उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में लोग साथ रहते हैं, उनको अपने घर पे ही आइसोलेट और क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर स्कूलों में बनाए गए थे, अगर वहां इनको अलग से रखा जाए तो इस बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी वापिस उभरना सरकार के लिए आसान रहेगा। जयती, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। लगातार यहां पर केसेस में तेजी, प्रदेश भर से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा।